जय गंगा मैया की, जीवनदायिनी माँ गंगा, जो ऋषिकेश में हम मौजूद हैं इस समय। परमार्थ निकेतन से थोड़ी सी आगे 84 कुटिया के पास नेचुरली घाट से दूर गंगा जी के दर्शन करने आए। देखिए प्रबल यहाँ पे एक ही है, इसके बाद इसी केस में जाके इससे 3 हिस्सों में बंटना होता है गंगा जल को। भाई कितनी निर्मल स्वच्छ है, लेकिन यहाँ पे हरिद्वार में भी जाएंगे तो हर 1-2 किलोमीटर बाद इसमें बनाया तो गया सफाई का, लेकिन कहीं ना कहीं वो जाके गंगा जी में ही गंदगी मिलता है। मुझे उस पर बात नहीं करनी है, हमें तो अच्छाइयाँ देखनी है, कमियाँ नहीं देखनी है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने छोटे छोटे ग्रुपों में, चाहे वैसे नदी किनारे बैठ के अपना मेडिटेशन या अपना जो भी बोलेंगे साधना वगैरह करते हैं, और सुबह सुबह आते हैं उस पर, देखिए इधर भी सब बैठे हुए हैं। अधिकतर भारतीय लोग होते हैं, पूरे भारतवर्ष से ही आते हैं। तो इस जगह पे आएंगे तो इस समय देखिए सुखद आनंद हुई अनुभूति हो रही है, क्योंकि हवा इस समय बहुत तेज़ चल रही है और पानी के किनारे ठंडी ठंडी हवा आती है, पानी ठंडा होता है, गंगा जल जो है ठंडा है, तो बहुत ही सुखद आनंद की अनुभूति होती है। और कभी आइएगा तो ऋषिकेश ज़रूर आइएगा, और नेचुरली कोशिश करिए कि जहाँ पर भीड़ भाड़ से अलग जाए और वहाँ पर थोड़ा दर्शन करें या फिर अपना मन चिंतन करें। हरे ओम।